पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच अटूट संबंधों की चर्चा होती है, और उन संबंधों में जब विच्छेद हुआ, जिसे संबंध विच्छेद भी कहते हैं, और वो संबंध विच्छेद नीतीश के लिए घातक सिद्ध हो गया। दरअसल संबंध टूटने के बाद आरसीपी सिंह बिहार के दौरे पर हैं। नीतीश कुमार के उस वोट बैंक को तहस नहस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है, आरसीपी सिंह ने नालंदा में एक बड़ा बयान दिया है, नीतीश कुमार के सामने शर्त रख दी है। आपको बता दें कि नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह लगातार जनता के बीच अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं। इसी बीच रविवार को देर शाम आरसीपी सिंह ने लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती समारोह के मौके पर सिलाव प्रखंड के क्षेत्र में हाई स्कूल मैदान में माल्यार्पण किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी जिद छोड़े और बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करें। उन्होंने जदयू के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी कर दी और कहा कि जदयू का जल्द ही राजद में विलय होने वाला है। नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल पर भी वे हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास पीएम के लिए कई वैकेंसी है, लेकिन पीएम पद को लेकर जो कुर्सी है वो खाली नहीं है। बिहार में रोजगार को लेकर भी सरकार के प्रति आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में नौकरियां तो बांटी जा रही है, लेकिन वेतन कहां से दे पाएगी सरकार। बिहार में राजस्व को लेकर आरसीपी सिंह ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब को फिर से चालू कर सरकार राजस्व की पूर्ति करे। राजस्व नहीं रहने को लेकर आरसीपी सिंह ने गांव की सड़कें खराब हो रही है इस बात का दावा किया, और इसका मुख्य कारण सरकार के पास पैसों की कमी है। सरकार अपने जीत की वजह से लगातार शराबबंदी जैसे फैसलों को ले रही है, और जिससे बिहार में काफ़ी नुकसान हो रहा है। बिहार में शराबबंदी से आर्थिक नुकसान की भरपाई शायद बिहार का कोई भी नेता या बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो नहीं कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों का दावा आरसीपी सिंह कर रहे हैं और नीतीश कुमार के सामने शर्त रखी है कि शराबबंदी को खत्म करिए, तभी बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार से फंड को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं, और जब भी सरकार से हटते हैं यानी गठबंधन बदलते हैं, तब तब ये वादे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार के द्वारा किए गए वादे की अनदेखी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से शराबबंदी नीति का विरोध आरसीपी सिंह ने किया है और कहा है कि आर्थिक नुकसान को बचाने के लिए शराबबंदी नीति और शराबबंदी जो कानून है उसको खत्म कर देना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।